लोग जा रहे हैं अश्वमेध घाट। इतनी धूप में हो रही है बहुत ज़्यादा, बट चलिए क्या करें, घूमना भी है और शॉपिंग भी करनी है तो जाना तो पड़ेगा ही। चलिए कहाँ बैठे हैं? अरे आके तो बैठ गए हैं, हम लोग पैदल जा रहे हैं। लोग ही क्या, ये मौत आएगी। हाँ अंदर भी चलना है ना, इसलिए मार्केट में आया और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट अभी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग क्या लेंगे। इन्होंने ये लिया है, तो हम लोगों ने इस शॉप से लिए है ज्वेलरी, और ये है दशाश्वमेध घाट। मम्मी जा रही तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी नहा लूँ। मैं बस मतलब कपड़े तो नहीं लेकर आए, बट ठीक है गीले बने रहेंगे। सो मम्मी नहा ली और मैं भी नहा ली, मतलब गंगा मैया में। मम्मी को देख के मेरा भी मन करने लगा, तो ये रहे नंदन और चाची और ये रहे हम दोनों, मम्मी और मैं भीगते हुए जाएंगे, मतलब गीले हैं अभी तो पूरा। मम्मी मज़ा आया? बहुत, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब पहले तो मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, बट मम्मी को देखा ना तो अपना भी बहुत मन करने लगा, और सोचा कि जब इतनी दूर से आए हैं और दोबारा कब मौका मिले पता नहीं, तो इससे बेटर है कि। तो मम्मी और चाची आगे बढ़ गई हैं, चंदन और चाचा इधर। यस यस और नंदन और आया नंदन, बढ़िया मार्केट। नंदन का एक्सपीरियंस बहुत खराब, बहुत सही है, मतलब इंसानों वाला एक्सपीरियंस बहुत खराब है। जा रहे हैं राजश्री स्वीट्स, ये आलू की टिक्की। अरे खाओ यार, काट के दो। सो नंदन हम लोगों के लिए लेकर आया था बनारसी पान, और ये देखिए यहाँ पे इसमें पान रखा हुआ है, और ये है चेरी, और इधर यहाँ पे माउथ फ्रेशनर रखा हुआ है, और साइड में गुलकंद भी है। हमारा बनारसी पान ट्राई करते हैं। पान बनारस वाला, अभी चेरी ट्राई करेंगे, मुझे अच्छी लगती चेरी, बट ट्राई कर लेते हैं। चलो आप खाएंगे मेरी चाची। वेट भाई वेट,
नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे दूध बच गया तो बॉर्नविटा डाल के जा रहा है। सो रेडी हो गए हैं, कैब अभी आने वाली है और ये इतना भारी बैग, वो बाप रे बहुत भारी है। तुम तो आदत ही नहीं है बैग ऐसे उठाने की क्योंकि ऑफिस जाने खत्म हो चुका है बिल्कुल। और कैसा लग रहा मेरा आउटफिट? ये थोड़ा इमरजेंसी वाला आउटफिट है क्योंकि कल मैं जब नहाई थी तो मेरी जीन्स भीग गई थी, दो सूखी नहीं क्योंकि रात में बारिश हो रही थी, तो अभी मैंने ये वाली लगी पहनी है। बनारस स्टेशन आ गए हैं, कैसा लग रहा है वापस घर जाके? अच्छा लग रहा है, नाइस। अपना घर तो अपना होता है। ये रहा बनारस का स्टेशन, वना तो काफ़ी बेहतरीन है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं वेटिंग स्टेशन, वेटिंग रूम सॉरी। हमारा सफ़र शुरू हो गया है वाराणसी टू ग्वालियर, और ये चाची बैठी हुई है, उधर चाचा जी मोबाइल चला रहे हैं और इधर मम्मी भी मोबाइल चला रही हैं। तो अभी लेट गए हम लोग और अभी सोने में तो टाइम है, बट आप लोगों से कल मिलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वापस ग्वालियर, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ग्वालियर आफ्टर 14 आवर्स ऑफ जर्नी। तो बनारस से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर्दी ज़ुकाम फीवर और बॉडी पेन, और इतना ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी कि हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो उस वजह से बहुत अनईजी फील हो रहा था। और अभी भी मतलब तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, पहले से थोड़ा बेटर है बट फुली रिकवर नहीं हुई हूँ अभी मैं। सो आई होप कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ क्योंकि ये तबीयत ख़राब होने वाला सीन बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और सो ये जो व्लॉग है, जो सीरीज़ थी ग्वालियर टू वाराणसी एंड बैक टू ग्वालियर, सो इस सीरीज़ की मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको ये सारे व्लॉग अच्छे लगे हों। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।